देहरादून में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले भी ठगी करने वाले फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसीज के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। बता दें कि 5 अन्य पीड़ितों व उनके परिजनों ने प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी करने के संबंध में शिकायत की, जिसमें बताया गया कि फर्म के संचालक कुणाल और पत्नी गीतांजलि सहित एक अन्य सहयोगी ने पांचों पीड़ितों को यूरोपीय देशों में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर विदेश भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन वर्क परमिट वीजा व वेरिफिकेशन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की। पीड़ितों को शक तब हुआ जब ठगों से राशि वापस मांगी गई तो उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती है और खासकर मैंने देखा है जो बाहर के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं, उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनका वीज़ा नहीं बने और उन चारों की शिकायतों पर जाँच कराई गई। जाँच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए।